हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको क्रशिस रिवर्स का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। तो बिना किसी देर किए इसके सेकंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि डोंगयुंग सोफे पर सोया होता है और सोमी सोते टाइम डोंगयुंग को किस कर देती है, लेकिन बेचारी सोमी को ऐसा करते हुए डोंगा रंगे हाथों पकड़ लेता है। कहानी में आगे स्कूल में डोंगा सोमी की नाक को किसी बटन के जैसे प्रेस करता है और सोमी अजीब सा फेस बनाकर उसे ब्रेड का पैकेट पकड़ाती है। तभी डोंगा वहाँ से जा रहे अपने दोस्त को रोककर पूछता है कि क्या तुम ब्रेड खाना पसंद करोगे? रुको, मैं अभी वेंडिंग मशीन से तुम्हें ब्रेड लेकर देता हूँ। वो फिर से सोमी के शोल्डर पर बटन की तरह प्रेस करता है और सोमी इरिटेट होने वाले एक्सप्रेशन बनाकर उसे ब्रेड निकालकर दे देती है। डोंगा का फ्रेंड ब्रेड लेकर चला जाता है। सोमी मन में सोचती है कि मैं तो इसकी वेंडिंग मशीन बनकर रह गई हूँ। अब वो उस दिन को याद करती है जब डोंगा ने उसे डोंगयुंग को किस करते हुए देख लिया था। उसके अगले दिन वो स्कूल में डोंगा से ये किस वाली बात किसी को बताने से मना करती है। डोंगा कहता है कि मैं अपने भाई को ये नहीं बताऊंगा। ये सुनकर सोमी खुश हो जाती है, लेकिन आगे वो कहता है ये बात मैं उसकी गर्लफ्रेंड को बताऊंगा। सोमी पहले उसे धमकाती है और फिर कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि मैं डोंगयुंग को पसंद करती हूँ। वो कहता है तुम सोई हुई हो क्या, उठ जाओ, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तुम ये कैसे कर सकती हो? सोमी गुस्सा होते हुए कहती है मुझे पता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो मेरी बहन है, लेकिन मैंने उसे गलती से किस कर दिया था क्योंकि मैं उसके बहुत पास थी। डोंगा कहता है तुम बस बहाने बना रही हो। सोमी उसका हाथ पकड़कर उसे सारी बातें सेटल करने के लिए कहती है। वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है। ये देखकर डोंगा कहता है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है। सोमी पूछती है मुझे क्या करना पड़ेगा? डोंगा उसे एक ब्रेड खरीद कर लाने के लिए कहता है। सोमी पहले उसे मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। डोंगा पूछता है क्या तुम ब्रेड नहीं लाओगी? सोमी उसे गुस्से से देखती है और फिर वो उसके लिए ब्रेड लेने चली जाती है। उसके बाद डोंगा उससे अपने सारे काम करवाने लगता है। वो उसकी क्लास में आकर सोमी का काम बढ़ाता है, उससे अपनी कॉपी रखवाता है और तो और वो सोमी से प्लास्टिक की बॉटल्स भी उठवाता है। सोमी फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछती है मुझे ये सब कब तक करना होगा? डोंगा कहता है जब तक हम स्कूल से पास आउट नहीं हो जाते। सोमी रोने का दिखावा करते हुए कहती है तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम अपने भाई से इतने अलग कैसे हो सकते हो? कम से कम थोड़ा बहुत तो अपने भाई जैसे बनने की कोशिश करो। डोंगा पूछता है क्या तब तुम मुझे भी पसंद करने लगोगी? फिर वो कहता है थैंक गॉड मैं उसके जैसा नहीं हूँ। सोमी फिर उसे कहती है अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं स्कूल की वायलेंस कमेटी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। डोंगा कहता है सच में? तो मैं भी तुम्हारी कंप्लेंट सोरा से करता हूँ। फिर वो अपना फोन निकाल कर सोरा को कॉल लगाता है। सोमी सोचती है कि वो मजाक कर रहा है। वो बड़ी अकड़ से कहती है बताओ बताओ। डोंगा को सच में कॉल लगाते देखकर वो डर जाती है और कहती है तुम मुझे बताओ कि क्या काम करना है, मैं कर दूंगी। डोंगा हंसते हुए कहता है मैंने सौरभ को कॉल नहीं किया था। घर में सोमी सोच रही होती है मैं अपनी लाइफ के सबसे बुरे टाइम से गुजर रही हूँ, क्या मुझे सजा मिल रही है? बेचारी सोमी बहुत सैड फील कर रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में डोंगा सोमी से अपने साथ चलने के लिए कहता है। सोमी गुस्से में पूछती है क्या तुम्हारे कोई और दोस्त नहीं है? डोंगा कहता है मेरे दोस्त तो हैं, लेकिन मेरे पास कोई बैग उठाने वाला नहीं है। बाहर आकर डोंगा उसे अपना बैग उठाने के लिए कहता है। सोमी कहती है मुझे एकेडमी जाना है इसलिए मेरा खुद का बैग बहुत भारी है। डोंगा कहता है तुम वीक होने का दिखावा क्यों कर रही हो? वो कहती है ये सच में बहुत भारी है, तुम खुद चेक कर लो। डोंगा उसका बैग उठाकर देखता है तो वो बैग सच में बहुत भारी होता है। फिर वो उसका बैग कैरी करता है और पूछता है तुम कौन से गेम्स खेलती हो? सोमी कहती है मैं कोई गेम नहीं खेलती हूँ। ये सुनकर डोंगा कहता है तुम पढ़ती नहीं हो, तुम गेम भी नहीं खेलती हो, तो तुम करती क्या हो? बस पूरे दिन ऐसे ही सांसें लेती रहती हो। सोमी कहती है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जाते हैं। फिर अपने घर की रोड आने पर डोंगा उसे उसका बैग देता है। सोमी उसे चिढ़ाते हुए कहती है तुम भूल गए थे ना, आज तो तुम मेरे नौकर बनकर रह गए हो। डोंगा उसे कहता है कल से तुम अपना काम ढंग से करना। ऐसा कहकर वो उसे बाय करता हुआ चला जाता है। उसे जाता देखकर सोमी सोच रही होती है मुझे लगा था कि इन दोनों भाइयों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन शायद इनमें कुछ तो कॉमन है। उसे याद आता है कि एक बार डोंगयुंग उसे मिला था।
सोमी ने उससे पूछा था कि क्या मैं सोरा को बुलाऊं, तो डोंगयोंग ने ये कहकर मना कर दिया था कि अब लेट हो चुका है तो सोरा को परेशान करना ठीक नहीं है, और फिर वो चला गया था। ये सब याद करके सोमी के फेस पर स्माइल आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये स्टोरी अब काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आगे देखते हैं कि हमारे लिए इस ड्रामा में क्या नए सरप्राइजेज हैं। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।